हेलो स्टूडेंट्स, अभी ना मतलब जीएसटी का इतना बड़ा अमेंडमेंट आया है बजट में लेकर, और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जो भी अभी बजट में हमारे रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो अनाउंसमेंट करी है जीएसटी में, वो कुछ अनाउंसमेंट थी। मैं सिर्फ दो रेलेवेंट अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अनाउंसमेंट, सिंपल अनाउंसमेंट में बात करते हैं कि आईटीसी अब आपको सिर्फ उतना ही मिलने वाला है जितना आपके 2A में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब अगर सेलर ने अपनी GSTR 1 में रिटर्न में उसको डिटेल्स को अपडेट नहीं करा और वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो पहले भी ये चीज थी, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, पहले भी ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था बहुत टाइम से, स्टार्टिंग से ये गवर्नमेंट इस चीज को कह रही है। बट अब जैसे ही यहाँ पे एक्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि कुछ केसेस थे या कुछ लोगों की पेटिशन फाइल थी कि नहीं हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, लॉ एक्ट में क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें इसके रिगार्डिंग बातें थी। तो अब वो प्रॉब्लम तो सारी मतलब सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। बट इस चीज का ध्यान रखना, ये अभी से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब भी कोई जीएसटी का कोई भी अनाउंसमेंट आती है ना, ये प्रपोज होती है, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन आती है। जब नोटिफिकेशन आएगी तब से ये एग्जैक्टली अमेंड होगा, मतलब एप्लीकेबल होगा। बट इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अभी से भी कर रहे हैं ना, तो भी आप अपना जो जीएसटी 2A में है उसी को आप अपना क्रेडिट लेके चले। बाकी नेक्स्ट मंथ जब भी मतलब जिससे आपने क्लाइंट, मतलब अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो उनको कहो कि जिससे आपने परचेस करा था वो जीएसटी 1 फाइल कर दे। जब जीएसटी 1 वो फाइल कर देंगे तब आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। इस मंथ का क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में अगर उन्होंने फाइल कर दिया तो तब नेक्स्ट मंथ में ले लीजिए। अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट वो ये, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि जीएसटी में ऑडिट खत्म, मतलब जो जीएसटी ऑडिट था ना वो फिनिश हो गया। अब ये वीडियो दो तरीके के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या लोग देख रहे होंगे, एक तो वो जो सीए स्टूडेंट्स हैं या सीए क्वालिफाइड हैं, और सेकंड वो जो जीएसटी का हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स कर चुके हैं। तो देखिए, जो पहले मैं बात करता हूँ, जो सीए है या सीए कोर्स कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही इतना वर्क है और उससे भी कोई बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं पड़ेगा। सीए का प्रोफेशन में कहीं ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। अब जो सीए नहीं है और जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी मेरे लिए देखो, मैं सीए हूं, मेरा काम एक तरह से मतलब जो सीए का काम है वो जा रहा है, और मैं आपको कह रहा हूँ सेलिब्रेट करो इस चीज को। क्यों? क्योंकि आप सबका बेनिफिट है इसमें। बेनिफिट कैसा? अभी तक आपको कहीं ना कहीं सीए के ऊपर कभी ना कभी साल में एक बार डिपेंड होना पड़ रहा था ऑडिट के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जीएसटीआर 9 जाएगी, ठीक है, जीएसटीआर 9 जाएगी, जीएसटीआर 9C नहीं रहेगी, उसकी जगह पे एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होगा। उसका फॉर्मेट किस तरीके का फॉर्मेट, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में उसको अनाउंस कर देगी, उसके बारे में आपको बता देगी। तो जब आएगा, अभी तो ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट होने में पूरा की ऑडिट फिनिश हो गया, इसमें टाइम लगेगा। अभी 1920 जो फाइनेंशियल ईयर है इसका ऑडिट तो होना है, इस ईयर तो चल रहा है अभी, जब से ये नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद से बंद हो जाएगा। मतलब फ्यूचर स्कोप तो क्लियर हो रहा है ना, कि फ्यूचर स्कोप में सीए के पास या किसी के पास भी ऑडिट नहीं रहेगा। और जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, मेरी मानो तो उसके तो भूल ही जाओ, मुझे पर्सनली नहीं लगता है अभी उसका कुछ होने वाला है। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब आपके पास ना क्लाइंट आएंगे, वो रिकॉन्सिलेशन तो कराएंगे, जीएसटी 9 भी एनुअल रिटर्न भी उनको फाइल करनी है जिनकी लिमिट के अंदर जो आ रहे हैं, और जो रिकॉन्सिलेशन कराना है वहां पे क्या होगा, क्लाइंट को ना अपनी आप से सर्टिफाई करना, जैसे रिटर्न वगैरह होती है ना, तो वहां पे भी क्लाइंट अपने आप ही कहते हैं कि हाँ ये सब मेरा ठीक है, कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ऐसे ही रिकॉन्सिलेशन में भी देंगे, तो मतलब वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट अपने आप कहाँ करेगा, आपके पास आएगा। और अब आपको किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे पूरा काम ले सकते हो, पूरी फीस उनसे चार्ज कर सकते हो। मतलब आने वाले टाइम में जीएसटी सर्टिफिकेशन करने के बाद जो आप प्रैक्टिस अपना जो प्रोफेशन बना रहे हो ना, और बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लें, फायदा उठाएं कि ठीक है अभी सीए के ऊपर से डिपेंडेंसी और ज्यादा खत्म होगी, अभी आप जीएसटी में एकदम पक्के हो गए, मतलब परफेक्ट हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सीए को थोड़ा सा स्लाइटली सा परेशान होने दो, आप सब इस चीज का फायदा उठाइए। और बाकी इनकम टैक्स का अमेंडमेंट भी आप देख लेना, बाकी जो कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं, सो उनको तो मैं पूरा एप्लीकेशन पे सारी जो भी डिटेल्स अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।